आज हम करने वाले हैं कैरियर्स ऑफ डिजीजेस। सो पहले हम देखेंगे कैरियर्स होते क्या हैं। ओके, सिंपल टर्म्स में अगर हम सोचें कि कैरियर्स क्या होते हैं, सो दोज आर दी वन हु कैरीज। ओके, जो किसी को कैरी करे आर द कैरियर्स। अब हम देख रहे हैं कैरियर्स ऑफ डिजीजेस, सो जो डिजीज को कैरी करे इज द कैरियर। अब हम इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो क्या है, दीज आर द इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द पैथोजन विद और विदाउट डिस्प्लेइंग द सिम्टम्स आर कॉल्ड कैरियर्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स के बेसिस पे जो है कैरियर्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ए सिम्टोमेटिक कैरियर्स एंड सिम्टोमेटिक कैरियर्स। ओके, सिम्टोमेटिक कैरियर्स, नाम से ही पता चल रहा है जो सिम्टम्स शो करे, ओके दोज आर द सिम्टोमेटिक कैरियर्स। ओके, एंड द ए सिम्टोमेटिक कैरियर्स आर वन हु डज नॉट शो एनी सिम्टम्स। ए सिम्टोमेटिक कैरियर्स को ना हेल्दी कैरियर्स भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो कैरियर्स होते हैं वो हेल्दी दिखते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेल्दी कैरियर। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी इज द मैरी मेलन और टाइफॉइड मैरी एग्जाम्पल ऑफ ए सिम्टोमेटिक कैरियर। शी वॉज द लेडी हु कुक्ड वर्कड एज अ कुक इन न्यूयॉर्क। ये जो लेडी थी ये ए सिम्टोमेटिक कैरियर थी सेलोमोनीला टाइफाई की। अब ये सेलोमोनीला टाइफाई क्या है, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया। ओके, इन्होंने क्या किया, वो परफेक्टली हेल्दी थी, मैरी मेलन वॉज द परफेक्टली हेल्दी लेडी, बट इन्होंने इन्फेक्ट किया, शी ट्रांसमिटेड द डिजीजेस टू 50 अदर पीपल। ओके, बिफोर शी वॉज क्वारंटीन्ड, क्वारंटीन होने से पहले ही उन्होंने इतने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था। ठीक है, अबाउट 1 to 6%, दिस इज द लाइक अप्रोक्सीमेट रेशो, 1 से 6% तक जो है वो कैरियर की तरह बिहेव करते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। सो द रिचार्ड गिल्बर्ट इज द पर्सन हु वॉज द अदर एसिम्टोमेटिक कैरियर ऑफ टाइफाइड हु वॉज सीन एट दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज asymptomatic, second example is asymptomatic HIV infection. The second stage of HIV or AIDS does not show any symptoms. Okay, it is asymptomatic stage. This second stage is also called the chronic HIV infection or the clinical latency. These are specific terms used for this stage. ओके, इस स्टेज में क्या होता है, वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है बॉडी के अंदर और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। ओके, पर जो पर्सन है जो सफर कर रहा है दैट डज नॉट शो एनी सिम्टम्स। ओके, अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करें एसिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन की, तो जो इसकी सेकेंड स्टेज होती है जिसको हम क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन और क्लिनिकल लेटेंसी भी बोलते हैं, वो सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। ऐसा क्या होता है इस स्टेज में वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, बट जो पर्सन होता है उसके अंदर कोई सिम्टम्स दिखते नहीं है। पर जो पर्सन सफर कर रहा है डैट ऑलवेज ट्रांसमिट्स द वायरस टू अदर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। थर्ड एग्जाम्पल इज अ बिट कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल, ये एसिम्टोमेटिक कैरियर्स के अंदर दिया हुआ है बट इट डज शो सिम्टम्स। ओके, दिस इज द एसिम्टोमेटिक EBV। EBV मीन्स एप्स्टीन बार वायरसेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन हर्पिस वायरस फोर। ये जो वायरस है ये खुद तो एसिम्टोमेटिक होता है, पर जो इसकी इलनेस है, जो इससे एसोसिएटेड इलनेस है, वो नोटिसेबल सिम्टम्स शो करती है। ओके, वी कैन सी हियर द सिम्टम्स। सो बेसिकली इट डज नॉट कम्स अंडर एसिम्टोमेटिक कैरियर्स, बट वी हैव टू स्टडी बिकॉज इट इज गिवन अंडर दिस ओनली एसिम्टोमेटिक EBV एप्स्टीन बार वायरसेस।
ओके इसमें जो 95% जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट ईबीवी. फोर्थ एग्जांपल इज एसिम्प्टोमेटिक क्लाइमिडिया. सो दिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ओके ये अफेक्ट करता है लोगों को सभी एजेस में, बट ये कॉमनली हम किस में देख सकते हैं, वुमेन्स में. ओके अगर हम इसको ट्रीट ना करें, इफ इट डज नॉट क्योर दिस एसिम्प्टोमेटिक क्लाइमिडिया, इट लीड्स टू PID. व्हाट इज दिस PID? इट इज द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस. ओके दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टर्म विच इज आस्ड एवरीवेयर. व्हाट इज PID? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. ओके द फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर पॉलियोमेलाइटिस. ये जो पॉलियोमेलाइटिस है ओरल सेबीन वैक्सीन के बाद भी ये एक्टिव वायरसेस प्रोड्यूस करती है विच एक्ट और विच लेट इट बिहेव एज द एसिम्प्टोमेटिक कैरियर. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज एसिम्प्टोमेटिक जेनेटिक्स और द हेरिडिटरी कैरियर्स. ओके अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, जेनेटिक्स देख रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स की. इन सिंपल टर्म्स इसमें क्या है, जो पर्सन है वो इनहेरिट करता है रिसेसिव अलील को. ओके हमें पता है रिसेसिव और डोमिनेंट दो अलील्स हैं. ये क्या करता है, इनहेरिट करता है रिसेसिव अलील को और ये क्या करता है, सिम्टम्स शो नहीं करता है. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिम्प्टोमेटिक जेनेटिक्स, सो इट डज नॉट शो सिम्टम्स एंड इट इनहेरिट्स द रिसेसिव अलील. अलील्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं कैरियर के अंदर. अब ये कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इसमें क्या होगा, जो रिसेसिव नेचर है वो इनहेरिट होगा इन नेक्स्ट जनरेशंस. ओके विच मीन्स द हेट्रोजाइगस कंडीशंस. हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव. रिसेसिव अलील्स जो हैं वो तभी एक्सप्रेस होंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो. ओके होमोजाइगस कंडीशंस का मतलब बोथ दी एलील्स आर दी रिसेसिव एलील. अब हम एक क्रॉस की हेल्प से हेरिडिटरी कैरियर्स को समझने की कोशिश करेंगे. ये जो पीछे हमने टर्म्स देखे हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, अब हम इन्हें देखेंगे. ओके हम क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस पेरेंट्स हेट्रोजाइगस पेरेंट्स ले रहे हैं. ओके वन रिसेसिव एंड वन डोमिनेंट एलील एंड देन वी आर क्रॉसिंग इट आउट विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर. हम रिजल्ट्स निकालेंगे. 25% जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 50% जो है वो हेट्रोजाइगस है और 25% जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है. सो दीज 50% विच आर हेट्रोजाइगस आर द एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स और ये जो 25% हैं वो सिम्टम्स शो करते हैं. Therefore, only 25% of offsprings can show disease symptoms. ठीक है फर्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटरी कैरियर्स का, दैट इज क्वीन विक्टोरिया और उनकी दो डॉटर्स एलिस और बियाट्रिक्स का. ये क्या थी, कैरियर थी एक्स लिंक्ड हीमोफीलिया जीन की. ओके एक्स लिंक्ड हीमोफीलिया जीन की कैरियर थी क्वीन विक्टोरिया और उनकी डॉटर्स. ये क्या था, ये शो करती थी एसिम्प्टोमेटिक हीमोफीलिया. इस एसिम्प्टोमेटिक हीमोफीलिया में क्या था, इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 8th और 9th वो दोनों नहीं थे. दे वर हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th एंड 9th. ओके दे वर इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन. दिस एच रिप्रेजेंट दिस डोमिनेंट एच. This is the dominant allele and this is the recessive allele for hemophilia gene. Okay. And अब ये जो इनकी daughters थी Alice और Beatrix, they were married in Spain and Russia और इन्होंने further pass की इस disease को next generations में. Next example of hereditary carriers is sickle cell anemia, the second example. इसमें क्या होता है, oxygen level जो होता है blood का वो लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसको डैमेज करता है, नर्व्स और ऑर्गन्स को.
ओके, दिस इज कॉमनली सीन इन अफ्रीकन अमेरिकन कंट्रीज, इन यूएस, और नियर अबाउट 8% जो है वो कैरियर्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया के. द थर्ड एग्जाम्पल इज सिस्टिक फाइब्रोसिस. ये क्या करता है, ये उन सेल्स को अफेक्ट करता है जो म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं. इसमें क्या होता है, फ्लूइड जो है वो थिक हो जाता है एंड स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से ये डैमेज करता है लंग्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम को. ओके, 25 इंडिविजुअल्स में से एक इंडिविजुअल कैरियर की तरह काम करता है. दिस इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो. ओके, द फोर्थ एग्जाम्पल इज ड्यूचेन मस्कुलरी डिस्ट्रॉफी और DMD. ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और ये किसकी म्यूटेशन से होती है, डिस्ट्रॉपिन जीन की वजह से. अब इस डिस्ट्रॉपिन जीन की हम लोकेशन देखेंगे, इट इज लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम की तो जो शॉर्टर आर्म होती है उस पर ये जो डिस्ट्रॉपिन जीन है ये हेल्प करता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में, और ये कनेक्शन की तरह काम करता है मसल्स फाइबर और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके बीच में कनेक्शन की तरह काम करता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सिम्टोमेटिक कैरियर्स. सो द फर्स्ट सिम्टोमेटिक कैरियर इज ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट और बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और कोटैजियस. ओके, इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आ जाती हैं, ये ट्रांसमिशन करता है बैक्टीरिया लेप्रोसी के, वायरसेस जो होते हैं चिकन पॉक्स के वो, HIV एंड AIDS. नेक्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन बाय फूड कंटेमिनेशन. फूड कंटेमिनेशन जो ट्रांसमिट होते हैं दैट इज कॉलेरा बैक्टीरिया. नेक्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट बाइट्स विच शोज मलेरियल पैरासाइट और वेस्ट नाइल वायरसेस विच इज स्प्रेडेड बाय द मॉस्किटो बाइट्स. ओके, फोर्थ वन इज द ट्रांसमिशन बाय एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच हैव न्यूमोनिया, बैक्टीरियाज ऑफ न्यूमोनिया एंड बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग TB. ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्माइट बॉर्नी ट्रांसमिशन. वॉट इज दिस फॉर्माइट बॉर्नी, विच मीन्स द ट्रांसमिशन इज बाय कंटेमिनेटेड क्लोथ्स, टॉवल्स और यूटेंसिल्स. थैंक यू सो मच. हेयर इज द एंड ऑफ कैरियर्स ऑफ डिजीजेस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू विद द वेक्टर्स ऑफ डिजीजेस एंड रिजर्वॉयर ऑफ डिजीजेस.